वैसे मैंने कहा कि हम एजुकेशन सिर्फ सैलरी और अपने पैर पे खड़े होने के लिए हासिल करते हैं। क्या हमारी बेटियां जो यहाँ बैठी हैं, जो कमजोर हैं, हम अपने आप को नेक बनाने के लिए, रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए पढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम असिस्टेंट कमिश्नर, आई वॉन्ट टू बिकम प्रोफेसर इन इंग्लिश लैंग्वेज, आई वॉन्ट टू बिकम प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, आई वॉन्ट टू बिकम a psychiatrist, I want to become a doctor in sociology. ये बताइए आप कि क्या केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए लोग आसमान पर से आते हैं? केमिस्ट्री के जो फार्मूलाज बनाए हैं, कोई फरिश्तों ने बनाया? किसने बनाया? इंसान ने बनाया। कितने पैर वाले इंसानों ने बनाया? दो पैर वाले, दो आंख वाले। उनका दिमाग भेजा भी उतना ही था, न्यूटन का भी उतना ही था, आइंस्टीन का भी उतना ही था, एडिसन का भी उतना ही था, और हमारा आपका भी उतना ही। आइंस्टीन जो सबसे लेटेस्ट जहीन इंसान था, उसके ताल्लुक से भी ये कहा जाता है कि उसने अपने दिमाग का लेस देन 10% इस्तेमाल किया। तो ये प्रॉब्लम है अपने दिमाग को इस्तेमाल करने का। कोई चीज टफ नहीं है, हर चीज आसान है, लेकिन उसके लिए मश्क करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। तो आप भी जो चीज नहीं आती है उसे सीखें, क्लास में अटेंटिव रहे, और जब डाउट क्लियर करने का सेशन आता है, डाउट सेशन, उसमें आप बिला तकल्लुफ टीचर से पूछे, पोलाइटली पूछे, एक बार नहीं दो बार पूछे। थैंक यू मिस्टर तनवीर अहमद साहब, बड़ी उम्दा और अहम बातें हमारी बेटियों को आपने बताया। मैं आज आपसे भी कहूंगा कि आज की ये क्लास हमारी हिस्टोरिकल क्लास, इसको और यादगार बनाने के लिए आप अपने घर में, अपने अप्पू अम्मी और घर में जो भी हैं, उनके सामने इस प्रोग्राम का जरूर जिक्र की। जितना आपको समझ में आया है उन्हें भी बताइए। करेंगे, ये होमवर्क है आपके लिए।